दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक नेक्स्ट सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। रियलमी एक्स सेवन सीरीज का सारे लोग वेट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इन्फिनिक्स के जीरो एट सीरीज का भी वेट कर रहे हैं और ये दोनों स्मार्टफोन इस टाइम हॉट टॉपिक में है कि कब लॉन्च होने वाली है। इस वीडियो में यही बताने वाला हूं मैं आपको। अभी ऑफिशियल तो नहीं हुआ है लेकिन समझ लीजिए कि 90% कंफर्म हो गया है। खाली ऑफिशियल हो जाएगा तो 10% वो भी कवर हो जाएगा, तो 90% कंफर्म हो गया कि ये दोनों स्मार्टफोन कब लॉन्च होने वाले हैं। सारी चीजें वही बताऊंगा इस वीडियो में। चलते से वीडियो की तरफ, देखते हैं कब लॉन्च होने वाले। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी आगे पूछ सकते हो, मैं सबको आंसर देता हूं, आपको भी दे दूंगा। चलते से वीडियो की तरफ, लेट्स गेट। सबसे पहले बात करते हैं Realme X7 सीरीज की, क्योंकि 5G फोन होने वाला है और बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। आज माधव सेठ ने सुबह सुबह एक ट्वीट किया था, ट्वीट में उन्होंने लिखा था, इंग्लिश में था तो मैं हिंदी में कर रहा हूँ, कि हमने सबसे पहले 5G फोन इंडिया में लॉन्च किया था, आपको मालूम है Realme X50 Pro जो था, एंड वो कह रहे हैं कि अब 5G टेक्नोलॉजी को 2021 में हम लोग डेमोक्रेटाइज करने वाले हैं। डेमोक्रेटाइज का मतलब होता है कि सबके पास हो जाना, मतलब हर कोई 5G अफोर्ड कर पाए। एंड Realme X7 सीरीज का है उन्होंने आ गया, यानी दोनों फोन आने वाले हैं, X7 और X7 Pro। अब क्या फंडा इसके अंदर, कहा तो उन्होंने 2021 में, मतलब ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर आएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये स्मार्टफोन दिसंबर के लास्ट वीक में लॉन्च होने वाला है इंडिया में, सेल पे 2021 में आएगा यानी जैन के फर्स्ट वीक में। तो यही है फंडा कि आपको दिसंबर के लास्ट वीक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो क्रिसमस की छुट्टियां चलती है ना उस टाइम पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और सेल पे ये 2021 में आएगा यानी जैन में आएगा, तो आपको देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिकेशन के वीडियोस में बहुत बना चुका हूं, आप जाके देख लीजिए या तो बहुत सारे मिल जाएंगे। इसके ऊपर पहले भी हमने बात की थी, एक वीडियो मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले मैंने बनाया था स्पेसिफिकेशन वाला, तो देखना है। तो स्पेसिफिकेशन वही आपको मालूम है, डायमेंसिटी 800 और 1000 वाले आने वाले हैं, सारी चीजें AMOLED सुपर OLED पैनल है, सारी चीजें वो जाके वहां से देख सकते हो, देख लेना। लेकिन एक चीज है कि कंफर्म है कि दिसंबर के लास्ट वीक में लॉन्च होगा एंड सेल पे आएगा जैन में। अब अगले फोन की तरफ चलते हैं। अगला फोन है इन्फिनिक्स का 08। बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे क्योंकि आज से करीब करीब 2-1.5 महीने पहले लॉन्च हुआ था ये अफ्रीकन कंट्रीज में, और बहुत अच्छा स्मार्टफोन है जिस प्राइस पे उस टाइम आया था। इंडिया में बहुत कम प्राइस पे आएगा क्योंकि टाइम भी जा चुका है, और जिसके स्पेसिफिकेशन है उस प्राइस पे अगर लॉन्च होगा, जहां जिस प्राइस पे वहां पे लॉन्च हुआ, तो ऑब्वियसली इंडिया में चलेगा नहीं है क्योंकि अब प्राइसेस बहुत कम होने लगे हैं। एंड अच्छा स्मार्टफोन है, ये नहीं कह रहा हूँ खराब है, मेरे ख्याल से 13-14 हजार के आसपास आया तो अच्छा होगा, अदरवाइज 15 क्रॉस करेगा तो पॉसिबली नहीं चल पाएगा, देखेंगे जो भी होगा। अब हुआ क्या है कि 2 दिन पहले इंस्टा पे आया था, मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि इंस्टा पे आ चुका है, जल्दी लॉन्च होने वाला है। देन उसके बाद एक और पोस्ट डाला उन्होंने इंस्टा पे। आज उन्होंने क्या किया कि उनका फेसबुक का जो पेज है इंडिया का इन्फिनिक्स मोबाइल का, उस पे उन्होंने कवर पेज जो होता है वो चेंज कर दिया, कवर जो है वो चेंज कर दिया। वहां पे उन्होंने एक वही उनका जो कैमरा मॉड्यूल है उसको डाला हुआ है, वो स्क्वायरिश क्या कौन सा शेप कहेंगे उसको, रोम्बस भी नहीं है, काइट भी नहीं है, काइट तो 2 साइड अलग होते हैं, एक साइड थोड़ा छोटा होता है, रोम्बस तो वैसा होता है, स्क्वायर होता है, फिर डायमंड शेप कह सकते हैं, तो डायमंड शेप ही कह लो, वही शेप में है और लिखा भी है जेम उन्होंने उसमें, तो वो भी एक चीज बात है, जेम ऑफ अ फोन कमिंग सून ये लिखा हुआ है वहां पे, तो इसे पता चल रहा है कि आने वाला है। अब लॉन्च डेट की बात करते हैं, इसका लॉन्च डेट का जो लीक आया हुआ है वो पता चल रहा है कि ये स्मार्टफोन आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा, यानी 1 से 7 दिसंबर के बीच में। इंटरनल लीक जो है वो यही बता रहे हैं कि फर्स्ट से लेके 7th of September के बीच में इंडिया में स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपको मालूम है G90D का चिपसेट है एंड 90Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, 5000-4500 एमएच की बैटरी है, 33W का चार्जर है, सारी चीजें अच्छी हैं। ड्यूल कैमरा फ्रंट में दिया हुआ है जो कि 48+8MP वाला है, 64MP का रियर कैमरा है, अच्छी चीजें दी गई हैं। लेकिन स्टिल मैं कहूंगा प्राइसिंग अगर इसका 15,000 के नीचे रखते हैं तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव होगा, 15,000 या उससे ऊपर गया तो मेरे हिसाब से उतना लोग नहीं दिखाएं, क्योंकि बहुत सारे स्मार्टफोन है जो उससे कम प्राइस में मिलते हैं। चलिए देखेंगे, जैसे अगर उसके बारे में बता दूंगा तो इन्फिनिक्स भी हो गया, Realme X7 भी हो गया, दोनों स्मार्टफोन आने वाले हैं, पॉसिबली दिसंबर में दोनों लॉन्च होंगे। पहले वीक में आपको मिल जाएगा इन्फिनिक्स का 08 सीरीज, उसमें 2 आएंगे, 08 और 08 आए, एंड उसके बाद लास्ट वीक जाते जाते आपको Realme X7 सीरीज इंडिया में देखने को मिल जाएगी दोस्तों, यही इनका लॉन्च डेट, यही बताना था। तो वेट कर रहे हो कि नहीं जरूर बता देना, कौन से वाले का वेट कर रहे हो वो भी बता देना, कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है, और कौन से वाले स्मार्टफोन का वेट कर रहे हो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में लिख के। और इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, कोई क्वेरी है कुछ क्वेश्चन है पूछ सकते हो, सबको आंसर देता हूं, आपको भी दे दूंगा। एंड साइड में देखो बैठते हैं मुझे, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करने साथ, तब तक के लिए दोस्तों